नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं, वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी हिंदू सेंड मैसेज इंडियाज पीएम नरेंद्र मोदी। तो मुझे भी याद आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे भी मैसेज किए थे कि भाई एक पाकिस्तानी हिंदू हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने पीएम मोदी को एक संदेश भेजा है। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको वो संदेश सुना देता हूँ जिससे समझने में आसानी होगी कि भाई मामला क्या है, और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन इस पर देखते हैं। चलिए सुनिए पहले। Dear Mr. Modi, Mr. Amit Shah, Mr. Jai Shankar, मैं एक पाकिस्तानी हिंदू रिटायर्ड हूँ, सिंधी हिंदू हूँ। अभी हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, कोई कहता है हम 1% हैं, कोई कहता है 2% हैं, जो भी हैं, मगर हमारी बेटियाँ बहुत तकलीफ में। मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा, मगर हकीकत तो कहनी पड़ेगी ना, हमारी बेटियां बहुत तकलीफ में हैं। गुजरे हुए 12 सालों में कोई 13 से 14 हज़ार लड़कियों का मजहब बदला गया है। दो दिन पहले एक दिन के अंदर 6 हिंदू लड़कियों का मजहब बदला गया। हम कुछ कर भी नहीं सकते, और हम चाहते भी नहीं हैं कि आप हमारी वजह से पाकिस्तान से कोई फट डाले। हमारा मकसद ये नहीं, हम सिर्फ एक ही अपील करते हैं कि प्लीज़, ये जो पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में जितने भी हिंदू और सिख लोगों की एप्लीकेशंस पड़ी हैं माइग्रेशन के लिए या इंडिया एज अ रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए, प्लीज़ इनको वीज़ा दीजिए। कोई कहता है 10,000 हैं, कोई कहता है 1,00,000 हैं, मगर बहुत हैं लोग बैठे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन एक एक दो दो साल से पड़ी हुई है। मेरा 2 साल पहले मेरा एक भांजा उस अपनी बहनों के साथ माइग्रेट होना चाहता था, उसको वीज़ा नहीं मिली। बाद में उसकी बहन को किडनैप करके उसको अगवा करके उसका मजहब बदल गया। ऐसे किस्से बहुत हैं सर, हम लोग मजबूर हैं। हमारी लड़कियों को से कभी फंसाया जाता है, कभी उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कभी उनको बकरी की तरह उठा के ले जाते हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते। न पुलिस हमारी सुनती है, न जजेस हमें इंसाफ देते हैं, चीफ मिनिस्टर हमारी सुनता है। हम करें क्या, कहाँ जाएं, हम मजबूर हैं। हमारी बेटियां मुश्किल में, हमारी माएँ रोती हैं। सर आपकी भी तो माँ थी, अभी नहीं है। लड़की के कहने के बाद भी कोर्ट में कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमें ज़बरदस्ती अगवा किया, हमारा मजहब बदला गया, जज साहब हमें अपने माँ बाप के पास भेज दिए। नहीं भेजते हैं सर ये लोग, क्यों नहीं भेजते हैं, शायद हम हिंदू हैं। तो ये था वो मैसेज जिसमें वो गुहार लगा रहे हैं। खैर जाहिर सी बात है कि क्या करे बेचारे, उनको गुहार लगानी पड़ी। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। व्यूअर्स, एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक पाकिस्तानी हिंदू जिसने अपील की है हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तानी नरेंद्र मोदी से, उनके जो स्टेटमेंट के अल्फाज हैं, जो लाइंस हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी और यहाँ आए पाकिस्तानी पब्लिक को भी सुनाना चाहूंगी। पाकिस्तानी पब्लिक इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, आए उनकी तरफ चलते हैं, उनके रिव्यूज लेते हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो को सुनने के बाद, आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं मिलूंगी आपसे वीडियो के एंड पे, तब तक के लिए इजाजत है। आपका नाम? मेरा नाम तनवीर है। सर करते क्या है? मैं एक जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब। बिल्कुल सही सर, आज को आप एक वीडियो दिखाने लगी हूँ, वीडियो है पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी से, उन्होंने एक मैसेज दिया है इंडिया पाकिस्तान को लेकर, इसको सुनिएगा और बताइएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, ये आप सुनिएगा। तो जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते उनके लिए बता दूं कि रेड बॉक्स जो बना हुआ है और उसमें जो लिखा है, उसमें लिखा है पाकिस्तानी सिंधी हिंदू की पीएम मोदी से अपील। तो ये सिंध के रहने वाले हिंदू हैं और वो पीएम मोदी से उन्होंने अपील किया है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, वो ये बता रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती, बट सेकंडली मुझे लगता है कि ये जो उनकी एस्टिमेशन थी कि वो 25 से
30% थी, आई डोंट थिंक ये इतनी ज्यादा में हिंदू जो है पार्टीशन के टाइम में मे बी होंगे बट दे माइट हैव माइग्रेटेड टू इंडिया। तो यहाँ तो जबरदस्ती तो पाकिस्तानी तो बहुत खुले दिल के लोग हैं, मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी, दे आर वेरी ओपन हार्टेड पीपल। और यहाँ तो जबरदस्ती जो है वो किसी को जो है वो मजहब के मामले स्पेशली वो मेरा नहीं ख्याल को फोर्स किया जाता है या मुझे इसमें सच्चाई नहीं लगती। पता है आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है लेकिन आप झूठ इतना बोलते हैं, इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। आपको सबसे ताजा एग्जांपल बताता हूं मैं, रेशमा नाम की एक लड़की है, आपके पाकिस्तान की हिंदू लड़की है, 9 साल की, उसको किडनैप किया गया, उसको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, 9 साल की बच्ची का, और 45 साल के बुजुर्ग से जिसने उसे किडनैप किया, डरा धमका कर उसको जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया, मजहब बदल दिया उसका, उससे शादी कर ली गई। क्या आपकी बेटी 9 साल की होगी, क्या आप उसको उसको इस तरह से 45 साल की उम्र के बंदे के साथ आप शादी करने देंगे? कुरान पर हाथ रखकर यह बात अगर आपने कह दी ना तो मैं समझ जाऊंगा, नहीं कर सकेंगे आप, लेकिन आप लोग इन बातों को झुठला रहे हैं, आप लोग मानने से इनकार करते हैं, आप लोग स्वीकार नहीं करते कि जी जुल्म हो रहा है। उस बुजुर्ग आदमी को क्या पड़ी है अपनी जान जोखिम में डालने की? वो जानता है कि वो पाकिस्तान में रहता है या पाकिस्तान में उसके रिलेटिव रहते हैं और तब वो गुहार लगा रहा है और आपको उसमें सच्चाई नजर नहीं आ रही है, इसीलिए ऊपर वाला भी आप लोगों को सजाएं दे रहा है और सजा मिलती रहेगी। ऐसे ही आप लोग आंख खोलकर अनजान बने रहते हैं, मानने को तैयार नहीं कि आप लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म देखकर भी आप लोग अपना मुंह बंद रखते हैं। इसमें सच्चाई नहीं है, सच्चाई ना होने के बावजूद भी अगर ये जो वीडियो है सोशलाइज है, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या उनके ऑफिशियल्स या फिर इंडियंस देखते हैं तो सर क्या रिएक्शन आएगा? आगे हम देखते हैं, इंडिया पाकिस्तान के तालुकात भी बेहतर नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर ट्रेड भी नहीं है और हंसी मोहब्बत भी नहीं है दोनों की तरफ। क्या समझते हैं कि ये चीजें हमें कितना ज्यादा और दूर कर देंगे? नहीं, हमें दूर करेंगे, बट द थिंग इज के रियलिटी क्या है, ठीक है, उनको जो है वो किसी एक देखना सोर्स क्या है, ठीक है, जहाँ से उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दे आर नॉट बायस्ड। वो जो चाहते हैं कि जो फोर्सेस हैं इंडिया और पाकिस्तान में, दे डू नॉट वांट आर टू नॉर्मलाइज अवर रिलेशंस स्टेट लेवल। तो ये देखना होगा कि ये जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन बेसिकली वो कौन लोग हैं, सोर्स वो कहाँ से युवा सोर्स करती है ऐसी न्यूज़ कि पाकिस्तान में जो है वो जबरदस्ती कन्वर्जन उनको कराई जा रहे हैं, उनका मजहब जो है वो जबरदस्ती चेंज कराया जा रहा है। अभी सर अभी कुछ टाइम पहले एक लड़की का वाकया आया था जिसे हिंदू लड़की को एक लड़के के साथ शादी करवाई गई थी सर, वो वाकया बहुत सोशलाइज हुआ था, अगर हम वो भी बात करेंगे या फिर कुछ और चीजों को इंसिडेंट हो गया वो एकाध इंसिडेंट की बात कर रहे हैं आप? क्या आप अपने यहाँ के न्यूज पेपर्स नहीं पढ़ते हैं? आपके यहाँ की न्यूज रिपोर्ट्स हैं, हर साल 1000 लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, अपहरण करके नाबालिग लड़कियां होती हैं, फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है, और आप झूठ बता रहे हैं, आप सोर्स बता रहे हैं, मैं सोर्स देता हूं, आप जाकर पढ़िए, सोशल जस्टिस फॉर पाकिस्तान एक सेंटर है आपका, वहां की अभी हालिया रिपोर्ट आई है और उसमें फोर्स कन्वर्जन पर बहुत जबरदस्त विस्तृत तरीके से जानकारी दी गई है, और जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपका शर्म सर से झुक जाएगा। उसमें बताया गया है कि पिछले 1 साल में जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की घटनाएं डबल हो गई हैं, डबल। आप अच्छा बनने की कोशिश मत करिए, आप अपने आप को डिफेंड मत करिए या उन लोगों को डिफेंड मत करिए जो जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उतना ही बड़ा जुल्म कर रहे हैं, आपका क्राइम भी उतना ही बड़ा है डिफेंड कर रहे हो अगर आप उनको तो। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहां की रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो क्या आपके यहां की रिपोर्ट्स झूठी हैं? इंडियन तो चलो मान लो झूठे हैं आपके मुताबिक, लेकिन क्या पाकिस्तान में जो रिपोर्ट्स, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, एबीसी इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट है, उसने भी ये खबर दी कि 1000 जो लड़कियां हैं हिंदू, जो माइनॉरिटी क्लास की लड़कियां हैं, उनको अगवा किया जाता है और उनका फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जाता है उनका। सब झूठे हैं और आप सच्चे हैं, वाह।
फिर तो आपके पास इस बात का क्या सबूत है जो आप लोग कहते रहते हो कि जी कश्मीर में जुल्म होता है, भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है? क्या सबूत है इस बात का आप लोग? आप लोगों ने आकर देखा है क्या वहां पे? सोर्स क्या है उसका? आपकी मीडिया? इंसिडेंट हो गया, इतने जो है वो लोग, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, एक आध अगर इंसिडेंट होता भी है तो वो दूसरी कम्युनिटीज में भी होता है। सर यहाँ पे आपने कहा है, सॉरी टू से, बट आपने यहाँ कहा एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कहते हैं हम छोटी सी पॉपुलेशन, सर तब इकोनॉमी में छोटी आ जाती है, अभी बाकी आदमी बहुत बड़ी आ जाती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो यार या मिलियंस पीपल है, अगर एक आध ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो इतनी उसमें उछालने वाली बात नहीं। पाकिस्तानी जब इकोनॉमी की बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों डिफॉल्ट हो गई, तो कहते हैं बताएं, कहते हैं कि 22 करोड़ सिर्फ है ना पॉपुलेशन, तो इतनी पॉपुलेशन के अंदर कौन सा ब्रांड आएगा, कहाँ इतनी वो होगी, तरक्की होगी? सर फिर अभी आपने कहा कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और ये सच है कि हम दुनिया की पांचवीं पॉपुलेशन। अनम आपने ना ये एग्जांपल गलत दिया है, आपने कंपेयर गलत किया है। इसकी जगह पे पता है आपको क्या कंपेयर करना चाहिए था? आप ये बोलती कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ हैं, तो आपने ये आपको ये कहना चाहिए था कि भारत में तो 125 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर जब इक्का दुक्का घटनाएं होती हैं तो यहां पर पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। वहां पर जहां 22 करोड़ में आप इक्का दुक्का घटनाएं गिना रहे हैं, वहां तो 122 करोड़ से ऊपर है लोग, और वहां पर आती है तो आप सीधे वहां पर मजहब की बात उतार लेते हैं, तब ये दोगलापन आपको नजर नहीं आता। आपको ये सवाल पूछना चाहिए था, आपने एग्जाम्पल गलत दिया, क्योंकि यहां पे माइनॉरिटीज की बात हो रही थी ना, तो आप सिंपल सीधे उसका उलट कर देती हैं आप कि जी फिर भारत में तो 122 करोड़ हैं और वहां पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि जी वहां पे माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है, तब जाकर सही जवाब मिलता है इनसे। इकॉनमी गजब, इकॉनमी को कंपेयर नहीं करना चाहिए था आपको इससे। सर फिर हम तरक्की क्यों नहीं करते? नहीं, हमारी तरक्की का मैं आपको बताऊं, ये तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। वी आर डिसऑनेस्ट इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस और एवरीवेयर, हम ऑनेस्ट नहीं है, हम कोई भी अपने काम में ऑनेस्ट नहीं है। अल्लाह और दीन से दूरी है सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ दीन से दूरी है हमारा, दीन हमारा जो है वो इवन कल्चर भी। जहां भी आप लोग फंसते हैं ना, आप लोग दीन को ले आते हैं, आपने उसको एज ए शील्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि हम यहां पे फंस रहे हैं, नहीं जी इसकी वजह तो ये है। वो भी सुनता होगा तो कहता होगा यार किस किस चीजों के लिए मुझे जिम्मेदार बता देते हो यार। और वो जो आप लोगों के ऊपर हो रहा है ना, उसी के गुस्से का नतीजा है कि आप लोग गलत ठहराते हो उसे, हर चीज में उसका नाम घुसा देते हो। आज आप महंगाई के मारे उसकी वजह से हो, आज 75 ईयर्स में आपके मुल्क की हालत ऐसी, सब इसी की वजह से, झूठ, फरेब, डिसऑनेस्टी और टोपी ट्रांसफर, फौरन ऊपर वाले को टोपी ट्रांसफर, जहां देखो फंसने लगे जी दीन से दूर हो गए हैं। तो कौन कर रहा है दीन से दूर आपको? आपने खुद किया है ना? नहीं नहीं, टोपी ट्रांसफर नहीं जी, उधर टोपी ट्रांसफर कर दो, उसकी वजह से हुआ है, हमारी वजह से नहीं हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। वाह, वो जो है वो मतलब वी आर गोइंग अगेंस्ट दैट, हम धोखाधड़ी कर रहे हैं। जब ये है कि अगर आप अपने आपका हमसाया आपसे दुखी है तो आपको कोई इबादत कबूल नहीं है, आपको कोई रोजा कबूल नहीं है, क्योंकि आपका हमसाया आपसे खुश नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो आजकल हमारे हालात चल रहे हैं ना, ये तकरीबन सही कह रहे हैं कि मतलब उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे, हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे सेवेस्ट नहीं रखा जा रहा, हिंदू में यहाँ पे मुस्लिम है उनको तो राइट्स नहीं मिल रहे वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो आपके सामने हालात है, यहाँ पे कौन से राइट्स मिल रहे हैं? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में कई ऐसे केसेस आते हैं जिनमें ज्यादतियाँ हो रही हैं हमारे इलाकों में, देखो डी जी खान या डी खान या बखर एरिया में, ऐसे छोटे छोटे मुल्तान ऐसे इलाकों में ज़मींदारों ने बच्चियों को मतलब जकड़ के रखा होता है, भट्ठा मजदूरी कराते हैं उनको, उनसे मतलब ये करते हैं कि एडवांस पैसे उनको दे देते हैं और उसके बदले में उनसे वो सारी ज़िंदगी जो है ना वही जंजीरों के साथ बांध बांध के भट्ठों से ईंटें बनवाते रहते हैं। तो पाकिस्तान में कैसे हालात हैं आपके सामने? मैं अगर ये हालात पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री में है तो इस्लामिक कंट्री फिर हम कहते हैं कि हमारे दीन इस्लाम ये चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। सर फिर हम मुसलमानों के होते हुए अगर हम हिंदूज को या यहूदियों को हम टारगेट करते हैं, सर फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि समुदाय लोग कहते हैं कि पहले अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, पहले अपने अंदर झांकना चाहिए कि मैं क्या हूँ, जब मैं खुद ठीक होऊंगा तो पूरी दुनिया के लिए मैं ठीक हूँ, जब मैं खुद गलत हूँ तो दूसरों को क्या तनकीद हम करेंगे? हम मुसलमान क्या कर रहे हैं?
आपके सामने है सारा। सर अगर ये वीडियो, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया वीडियो है, पूरे इंटरनेशनल में घूम सकती है, हिंदुस्तान के अंदर जा सकती है, जैसे इस बंदे ने अपील की है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से, सर आप मुझे बताइएगा जब ये उनके ऑफिशियल सुनेंगे, जब इंडियन सुनेंगे, आगे कौन से हालात पाकिस्तान और इंडिया के बेहतर है, आगे कौन से हमारे बीच मोहब्बतें हैं, आगे कौन सी ट्रेड है जारी है, तो सर इस वीडियो के बाद हिंदुस्तानी हमारे लिए क्या सोचेंगे या फिर उधर के ऑफिशियल्स क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर? देखो पहली बात यह है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके हबीब पे हमारे ईमान और यकीन है, हमें आप सल्लम की सुन्नत पे पैरवी करनी चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। बाकी जो हमारे हालात जिस तरह चल रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो आजकल के हालात हैं मेरे ख्याल में बहुत डिफ़िकल्ट टाइम जा रहा है, तो इसमें मैं यही कहूँगा कि पहले हमें खुद ठीक करना चाहिए, अगर हम खुद ठीक है तो फिर दूसरों को भी टारगेट कर सकते हैं, जब हम खुद ठीक नहीं है तो फिर दूसरों को क्या टारगेट करेंगे। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। मैडम इसमें सबसे पहले तो ये बात है कि सबसे पहले अगर कि इस तरह की कोई बात रिलीजियस कर भी रहे हैं तो हमें, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है और हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, सबसे पहले तो इसकी हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए अगर कुछ इसमें आ रहा है। देखिए रिलीजियस के मामले में बगैर सोचे समझे बगैर इन्वेस्टिगेशन में कुछ बात नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अगर तो ये कर लें इस तरह की बात तो ये नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजियस से हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, या कोई और भी उनका रिलीजियस हो, तो सबसे पहले कमेंट देने से पहले मेरा तो यही है बिलीव कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सर, अगर कुछ इसमें है, आप लॉयर हैं, आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, मेरे से ज्यादा अच्छे से पढ़ी होगी, आप मुझे बताएगा क्या हमारे, इसकी क्या गारंटी है कि हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी? और कौन सी हिस्ट्री हो? पाकिस्तान की हिस्ट्री जो पूरी की पूरी झूठी है। हिस्ट्री में कहीं भी कहां कोई ऐसी चीज लिखी गई है जिसमें हम देख सकें कि हिंदू जो कि पाकिस्तान के अंदर 20-27% थे, अब 2-1% रह गए हैं, वो सारे हिंदू कहां गए? क्या उनमें ये सच्चाई है कि वो माइग्रेट करके, क्या उनमें ये सच्चाई है कि उनका मजहब डाइवर्ट करवाया गया? आप मुझे बताइए। देखिए हमें डाइवर्ट नहीं, उनका मजहब कन्वर्ट कराया गया। डाइवर्ट नहीं होता, डाइवर्जन नहीं है, कन्वर्जन है, नॉट डाइवर्जन, इट्स कन्वर्जन। भी एज ए मुस्लिम मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें डिवर्ट करवाया गया, लेकिन अगर उन में कोई ऐसी चीज़ उनको नज़र आई है हमारे रिलीजियस के अंदर तो फिर वो खुद ही कन्वर्ट हुए हैं, इसमें ऐसा नहीं कि हम करवा। इस तरह तो हम बहुत सी मिसालें हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए लोगों के हिंदूज के ले सकते हैं जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। हमारे हमसे ज़्यादा मुसलमान शायद इंडिया में होंगे, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी इस तरह की बातें होती हैं कि ये नहीं कि किसी भी कंट्री के अंदर, हर कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर इससे भी ज़्यादा है हमारे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह का बयान रिलीजियस के रिलेटेड दे रहा है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर उसमें है तो फिर जरूर उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। सर ये वीडियो हिंदुस्तान जब सुनेगा या उन्होंने सुनी होगी, जब उनके ऑफिशियल्स तक जाएगी, तो आप मुझे बताएं कि क्या रद्द अमल होगा? आगे ही हालात बहुत अच्छे थोड़ी है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, ट्रेड थोड़ी अच्छी है, या फिर मामला को ये बदचीदा थोड़ी नजर आते हैं? मैडम ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, जिस तरह आप बता रहे हैं, मैंने तो वीडियो के अंदर फर्स्ट टाइम देखने से बंदा फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है ना वो नहीं कर सकता कि इसमें क्या। आपको क्या लगता है कि इसको ये जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हिंदू है इसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, या फिर इसका आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन सी ऐसी चीज होगी जिसके बिना पर इसने बोली है? क्या पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं इस वजह से कि हिंदुस्तान कोई ऐसा एक्शन ले, या कोई और वजह लगती है? मैडम देखिए अगर तो ये एज ए रिलीजियस अगर तो इस तरह की कोई देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेंशन देखनी पड़ेगी कि क्या ये रिलीजियस के रिलेटेड इंटेंशन है उसकी, या फिर वो देखिए राइट है हर बंदे को अपने, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें राइट है हम उसकी उसको करें, और अगर वो एज ए हिंदू हिंदुइज्म है तो उसमें भी कोई लिमिटेशन है, इस तरह आप ओपनली नहीं कर सकते, तो इसका यही है। बंदे को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अगर देखिए उनका अगर एज ए मुस्लिम हम मुसलमान हैं तो हमें इस तरह नहीं उन्हें करना चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, अगर इसमें है अगर वो कर रहे हैं इस तरह का मामला तो उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्शन ले इसके अलावा। बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, और यही देखा ये ना, छुपाने लगते हैं लोग, बचने लगते हैं लोग, डिफेंड करने लगते हैं लोग। आपको गलती स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको मानना पड़ेगा कि यस आपके यहाँ ये होता है, आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, उनका समर्थन करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम रुकेगा। मैंने सारे रिपोर्ट्स आपको दिखाई, और रोजाना कोई ना कोई खबर आती है, आपकी मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती इन खबरों को,
क्योंकि पता है कि इससे पाकिस्तान की छवि और खराब होगी। आप ट्विटर पर जाइए, पाकिस्तानी कुछ पत्रकार हैं जो ऑलवेज ये खबरें देते हैं कि देखो क्या हो रहा है यहां पे। कई सारी संस्थाएं हैं जो ये बताती हैं कि नहीं गलत हो रहा है, तो वो बंदा आवाज भी ना उठाए ना, उसको नहीं करना चाहिए ऐसा। उसके साथ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उसको दिख रहा है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, कोई आवाज नहीं उठाए। आपके यहां ना पुलिस सुनती है, ना अदालतें सुनती हैं हिंदुओं की बातें, कोई नहीं सुनता। किससे आवाज उठाए वो, आप बताइए। नहीं, लेकिन जहां अपनी गलती होगी हम फंस रहे हैं ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। सब गलत, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और ये करना चाहिए और वो करना चाहिए। पूरी दुनिया जानती है, और आजकल तो बहुत ज्यादा तेजी आ गई है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है, और खासकर हिंदू बच्चियों के साथ। क्यों ऐसा हिंदू लड़कों के साथ क्यों नहीं होता फोर्स कन्वर्जन? और ये मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, ये आपके यहां के पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स उठा रहे हैं। सैयद मुजम्मिल नाम के एक हैं, बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं, सुनिए। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना सिंध के अंदर, कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं, जीरो। लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? सुन लिया आपने, क्योंकि ये एक प्लान है। जब हिंदू कम्युनिटी में लड़कियां कम होने लगेंगी, उनको तो बढ़ने भी नहीं दिया, तब 9 साल की बच्ची का आपने कन्वर्ट करा दिया और शादी करा दी, तो जब हिंदू कम्युनिटी में लड़कियां ही नहीं होंगी, शादियां नहीं होंगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो हिंदू कम्युनिटी बढ़ेगी नहीं। एक मुश्त प्लान है और यही हो रहा है धीरे 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 धीरे। कम्युनिटी क्यों कम हो रही है? क्योंकि वहां की बच्चियों को आप जबरन उठवा लेते हो, किडनैप करवाते हो, डराते हो, धमकाते हो, जान से मारने की धमकी देते हो, और वो बेचारी क्या करे, डर जाती है। 9 साल की बच्ची क्या करेगी, आप बताइए। लेकिन आप लोगों ने उस पर मौन साध रखा है, आप लोग उसको चुप रहकर सपोर्ट करते हैं कि चलो दीन के लिए अच्छा हो रहा है, दीन के लिए अच्छा हो रहा है। लेकिन जब उनकी हाय लगेगी तो कहीं ना कहीं तो लगेगी ना, वो पूरे देश पर लग रही है हाय उनकी, पूरा देश तबाह हो रहा है आपका। लेकिन अकल नहीं आनी, आपने अकल नहीं आनी है, पर्दा डाला हुआ है, और जिस दिन अकल आएगी तब तक खेल हो चुका होगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।